नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों बिहार में चर्चा थी कि मांझी कहीं ना कहीं मांझी का दिल डोल रहा है और कहीं वो लालू प्रसाद के साथ चले जाएंगे क्या। इस चर्चा को बल भी मिला था जब अचानक लालू के लाल तेज प्रताप यादव बड़े बेटे वो पहुंच गए थे मांझी से मिलने। मांझी से बंद कमरे में उनकी मुलाकात हुई थी और मांझी की लालू यादव से बात भी हुई थी फ़ोन पर। उसके बाद ये चर्चा का बाजार बिहार की सियासत में गर्म था कि अब कुछ उलट फेर होने वाला है, बड़ा उलट फेर होने वाला है। चर्चा ये भी थी कि मांझी के साथ सहनी की जो बॉन्डिंग चल रही है और दोनों मिलकर बिहार में सरकार गिरा सकते हैं और लालू यादव के साथ जाकर तेजस्वी यादव की सरकार बना सकते हैं। हालांकि मांझी इन बातों को सिरे से नकारते हैं और कहते हैं कि सियासत में चर्चा है, होना है, होते रहे, पर ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले दिनों भी मांझी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि आपसी संबंध अलग जगह है और सियासत अपनी जगह है। इस तरह की बातें करते नजर आए थे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब पटना लौटे और पटना लौटने के बाद उन्होंने एक बयान दिया, दरअसल वो राघोपुर में थे, राघोपुर उनका विधानसभा क्षेत्र है, और राघोपुर में जनता के बीच में तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि 2-3 महीना इंतजार कर लीजिए, सरकार गिरने जा रही है, यानी बिहार सरकार गिरने जा रही है बस 2-3 महीने के अंदर। तो तेजस्वी के इस बयान से फिर बिहार में सियासी भूचाल आ गया कि आखिर सरकार गिरेगी तो कैसे गिरेगी। इस पर चर्चा होने लगी और कहीं ना कहीं मांझी पर भी नज़रें जाने लगी, मुकेश सहनी पर नज़रें टिक गई कि क्या ये दोनों बिहार में सरकार गिराएंगे, क्योंकि जिस तरह से चर्चा हो रही थी पिछले दिनों कभी काफ़ी करीब नज़र आ रहे थे। मांझी की भी नहीं सुनी जा रही थी एनडीए में, सहनी की भी नहीं सुनी जा रही थी। तो ये तमाम चर्चा का बाजार गर्म रहा। अब मांझी का एक बयान सामने आया है तेजस्वी यादव के ऊपर, तेजस्वी यादव के इस बयान के ऊपर मांझी का एक बड़ा बयान सामने आया है। हम आपको मांझी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो तेजस्वी यादव के इस बयान पर सफाई देते दिख रहे हैं, पलटवार करते दिख रहे हैं। जो उनसे टूट न जाए ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को दिलासा दिला रहे हैं कि धीरज रखो, थोड़े ही दिन में सरकार चल जाएगी, तुम्हारी सरकार आवेगी, तुम्हारा सारा काम होगा। ये मन बहलाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं, सच्चाई कुछ नहीं है। और तेजस्वी प्रसाद जी अपने क्षेत्र में भी गए हैं, उनको काला झंडा लोग दिखलाया है, वहाँ के लोगों को भी कहा कि घबराइए मत, हम दिल्ली में रह करके आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, 2-3 महीना में सरकार चली जाएगी। विधायकों को कहा कि घबराइए मत, किसी भी समय कुछ बातें हो सकती है, ताकि दूसरे पार्टी में न चल जाएँ, दूसरे गठबंधन में न चल जाएँ। इसलिए सब लोगों को कंसोलिडेट करने के लिए एक रणनीति के तहत तेजस्वी प्रसाद जी ने ये सारी बातें कही है। तो सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी ने क्या कहा। जीतन राम मांझी ने कहा कि साहब साहब वो लंबे समय बाद बिहार लौटे तो कुछ ना कुछ उन्हें कुछ करना था धमाका, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन बातों में कोई दम नहीं है। इस तरह की बातें करते हुए जो उन्होंने मांझी ने साफ तौर पर नकार दिया कि इस तरह की जो बातें की जा रही हैं उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं उनके विधायक टूट ना जाएं, इसीलिए अपने विधायकों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मांझी ने पलटवार कर दिया तेजस्वी यादव पर, बोल दिया बड़ा हमला। मांझी ने कह दिया कि तेजस्वी इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं, कोई भी विधायक जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी, केवल वो अपने विधायकों को लुभाने के लिए कर रहे हैं, विधायक सत्ता के लालच में उनके साथ बने रहेंगे, कुछ इस तरह की बात, उस तरह का दांव तेजस्वी यादव खेल रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मांझी ने साफ कर दिया और मांझी की बातों से ये समझा भी जा सकता है कि मांझी का मन फिलहाल तो नहीं डोल रहा है, वो एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं और तेजस्वी की बातों को बेकार की बातें बता रहे हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।